हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर उमाकांत। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीव। हेलो। आप अपनी डेली ओपीडी में एनोरेक्टल डिजीज के कई ऐसे पेशेंट देखते होंगे जिनको पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और इंटरग्लूटियल रीजन में पाया जाने वाला पाइलोनेडल साइनस होता है। डियर डॉक्टर, जैसा कि आप जानते हैं, पाइल्स की पहली और दूसरी ग्रेड के जो पेशेंट होते हैं उनको हम कंजर्वेटिव मेडिसिन, जिसमें ओरल मेडिकेशन और लाइफ स्टाइल चेंजेस से हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन पाइल्स के ऐसे पेशेंट जो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में होते हैं, जिनमें पाइल मास एनलार्ज होकर बाहर आ जाता है और मैनुअली या किसी भी तरह से अंदर नहीं जाता है, ऐसे पेशेंट को बार बार ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, बैठने में डिस्कम्फर्ट होती है, पेन होता है, वो आप फिर उसको कंजर्वेटिव मेडिसिन से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और फिस्टुला इन एनो, क्रॉनिक फिशर और इंटरग्लूटियल रीजन में पाया जाने वाला पाइलोनेडल साइनस ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम कंजर्वेटिव मेडिसिन से ठीक नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है। डियर डॉक्टर, जब आप उनसे सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बात करते हैं तो पेशेंट डरते हैं, क्योंकि सर्जरी के कुछ अपने डर होते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि सर्जरी में काफ़ी पेशेंट के मन में काफ़ी फोबिया होता है, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा तो उसके डेली रूटीन वर्क डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसकी जो कमाई का एक जरिया है वो बंद हो जाएगा, पेन बहुत पेनफुल होता है, दूसरा रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं पेशेंट के मन में ये है कि दोबारा हो गया। और चूंकि जो हाई एनल फिशुलाज होते हैं उसमें एनल स्फिंक्टर के कटने की वजह से वहाँ पे इनकॉन्टिनेंस ऑफ फिकल मटेरियल और मल द्वार को कॉन्स्टिक होने की वजह से, जैसे स्ट्रक्चर की वजह से वहाँ पे मल द्वार कॉन्स्टिक हो जाता है, तो उनको मल त्याग की बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। यही एक कारण है कि पेशेंट डरता है ऑपरेशन के लिए। डियर डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, अगर हम कोई ऐसी टेक्निक पे बात करें जिनमें ये सारे कॉम्प्लिकेशन ना हो, हमें काफ़ी कंफर्टेबल रहे, हमारा पेशेंट काफ़ी इजी रहे, वो सेम डे अपने घर लौट आए, अपने डेली रूटीन वर्क करे, उसे मल त्याग में कोई दिक्कत नहीं हुए और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, ऐसी ही एक टेक्निक होती है छाड़ सूत्र टेक्निक, जिसका पूरा नाम होता है छाड़ सूत्र बाईपास छाड़ सूत्र लाइगेशन टेक्निक। इस टेक्निक के अपने ये फायदे होते हैं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता है, जनरल एनेस्थीसिया की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, आप डेली रूटीन कर सकते हैं, मल त्याग के समय आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, और इसमें जैसे सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एनल स्टेनोसिस है और फिकल इनकॉन्टिनेंस है, और रिकरेंस के चांसेस इसमें ना के बराबर लगभग होते हैं। बिल्कुल, इसमें दोबारा होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जो छाड़ सूत्र होता है उसमें स्नूही छीर, अपामार्ग और हरिद्रा की कोटिंग होती है। स्नूही छीर और अपामार्ग क्या करता है, जो जो फिशुला होता है उसके ट्रैक में जो डेड टिश्यूज होते हैं उसको वहां से वो एक तो कट करता है, दूसरा वहां से हटा भी देता है, और तीसरा है वो हीलिंग, चूंकि छाड़ सूत्र में कटिंग और हीलिंग एक साइमल्टेनियस प्रोसेस चलती है, इसीलिए छाड़ सूत्र से जो पेशेंट ट्रीट किया जाता है उसमें दोबारा होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। और हरिद्रा आप जानते हैं कि एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक तरह काम करती है, तो वहां पे संक्रमण होने की भी संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। अतः डॉक्टर, आपसे आप अपने पेशेंट से सर्जरी के इस विकल्प के बारे में जरूर बात करें, जैसे आप सही एडवाइस और सही ट्रीटमेंट से अपने पेशेंट को हेल्दी और फिट रखते हैं, वैसे ही अपने पेशेंट को ये जानकारी जरूर दें कि इस तरह का भी एक टेक्निक है जिससे सर्जरी के विकल्प से बचा जा सकता है और आप अपने सारे डेली रूटीन वर्क आराम से कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम से भी निजात पा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर।